सुमित, अरे मामी जी, आप, मैं ड्रिंक नहीं करता मामी जी। अरे सुमित, मैं भी ड्रिंक नहीं करती, लेकिन मेरा बर्थडे है ना, प्लीज मना मत करना। ये लो बट लो, अरे चीयर्स तो करो। चेयर्स। क्या हुआ, अच्छी नहीं है? नहीं, अच्छी है बट थोड़ी कड़वी है। सुमित, धीरे धीरे पियो, अच्छा लगेगा। सुमित, जी मामी जी। नहीं एक बात पूछूं, तुम्हारी सच में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? हाँ वो, बोलो ना, मेरे सामने क्या हिचकिचा रहे हो? हाँ मामी जी, वो पहले थी। मामी मैं कुछ समझी नहीं। जी क्या है ना, हम दोनों एक बार मूवी देखने गए थे, वो जब मैंने उसको दोबारा फोन किया तो मिलने से इनकार कर रही थी। अच्छा, तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। क्या ये आप क्या कह रही हैं? हाँ सुमित, यही ना कि मैं तुम्हारी मामी जी हूं, लेकिन क्या आज रात के लिए हम इस बात को भुला नहीं सकते? हाँ, खाने में क्या बनाऊं? जो तुम्हें अच्छा लगे बनाओ। कहीं बाहर चले खाने के लिए? तुम्हें तो मालूम है ना, मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी पूछ रही हो। अच्छा, शाम को कितने बजे तक आओगे? आपको क्यों, कोई काम है क्या? मेरी किसी भी बात में इंटरेस्ट ही नहीं है। ऐसा नहीं है, वैसे ना तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जब कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो बोल के जताने की क्या जरूरत है? अभी फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, अब सारा काम धंधा छोड़कर तुम्हारे साथ दिन भर नहीं रह सकता ना मैं। मैंने ऐसा कब कहा कि काम धंधा छोड़कर घर में बैठो? जाओ दरवाजा खोलो। जी राघव जी घर पर हैं? हाँ है, लेकिन आप कौन? कौन है रेखा? सुमित आचार्य जी, मैं वो शांति जी का लड़का, उनकी चचेरी बहन। ओ अच्छा, देखिए। नमस्ते मामा जी। सुमित तुम? शांति कैसी है? सब ठीक। ये तुम्हारी मामी है। नमस्ते मामी। नमस्ते। आओ अंदर आओ। बैठो। ये लीजिए, मम्मी ने आपके लिए भेजा। थैंक यू जी। अरे भांजा आया घर पे, तो स्वागत नहीं करोगी? आप लोग बैठिए, मैं कुछ लेकर आती हूँ। और सुमित, मुंबई कैसे आना हुआ? जी मामा जी, मुंबई के कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ है। अच्छा जी, ये तो अच्छी बात है। और घर पे सब कैसे हैं? जी मामा जी, घर में सब बढ़िया है। अच्छा, चाय। वैसे सुमित, यहाँ तुम कहाँ रह रहे हो? जी मामा जी, वो हॉस्टल में। हॉस्टल में क्यों, यहाँ क्यों नहीं? अरे भाई, ये तुम्हारा ननिहाल है, फिर अपने ननिहाल के रहते हुए तुम हॉस्टल में रहो। देखो मैं तुम्हारी एक बार नहीं सुनूंगा। तुम्हारे मामा जी सही तो कह रहे हैं। सो गए क्या? सोने दो ना रेखा, सुबह काम पे जाना है। सुमित, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछिए।
बुरा तो नहीं मानोगे? आपकी बात का क्या बुरा मानना? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं, क्यों? नहीं, बस ऐसे ही पूछा। अरे समझो मेरी बात को, अगर नहीं जाऊंगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अरे मामा जी, आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, सूरत जा रहा हूँ। मतलब आज आप यहाँ नहीं हैं? क्यों, कुछ खास है क्या? मामा जी, आज मामी जी का बर्थडे है। क्या, आज तुम्हारा बर्थडे है? क्यों, तुम कहो तो बर्थडे चेंज कर दूं। मामी जी प्लीज, आप अपसेट मत होइए। मामा जी को जाने दीजिए, हम दोनों मिलकर पार्टी करेंगे। मुझे कोई पार्टी नहीं करनी। आई एम सो सॉरी डार्लिंग, तुम्हें तो पता है ना मैं काम में कितना बिजी रहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गया। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ आप काम को लेकर बिजी हैं। अब जल्दी से जाइए और काम फिनिश करके वापस आइए। गुड, ये हुई ना बात। तुम्हें शॉपिंग करने का मन था ना, ऐसा करो तुम सुमित के साथ चली जाओ, इसी बहाने तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। मुझे कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं करनी। रेखा डार्लिंग, आई एम सो सॉरी, प्लीज मान जाओ ना। चलो जाओ, मेरा बैग लेकर आओ, मुझे देरी हो रही है। लाती हूँ। अच्छा सुमित। जी मामा जी। तुम्हें पैसे रख लो। जी मामा जी। मामी जी को शॉपिंग भी करा लेना और बर्थडे पार्टी भी मना लेना, ठीक है? मामा जी। ये लीजिए बैग। अरे सुमित, सुमित कहाँ लेके जा रहे हो? चलिए मामी जी प्लीज। सरप्राइज। सुमित, इसकी क्या जरूरत थी? मामी जी आज आपका बर्थडे है, चलिए आप केक काटिए, ये लीजिए। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear mami ji, happy birthday to you. Mami, मैं भी आपको खिलाऊंगा। आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ। सुमित। अरे मामी जी, आप, मैं ड्रिंक नहीं करता मामी जी। सुमित, मैं भी ड्रिंक नहीं करती, लेकिन मेरा बर्थडे है ना, प्लीज मना मत करना, ये लो। बट लो। ओके। अरे चीयर्स तो करो। Cheers.
क्या हुआ, अच्छी नहीं है? थोड़ी कड़वी है। सुमित धीरे धीरे पियो, अच्छा लगेगा। सुमित। जी मामी जी। एक बात पूछू, तुम्हारी सच में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? हाँ वो। बोलो ना, मेरे सामने क्या हिचकिचा रहे हो? हाँ मामी जी, वो पहले थी। मैं कुछ समझी नहीं। मामी जी क्या है ना, हम दोनों एक बार मूवी देखने गए थे, वो जब मैंने उसको दोबारा फोन किया तो मिलने से इनकार कर रही थी। अच्छा, तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। क्या ये आप क्या कह रही हैं? हाँ सुमित, यही ना कि मैं तुम्हारी मामी जी हूँ, लेकिन क्या आज रात के लिए हम इस बात को भुला नहीं सकते? हाँ मामी जी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रही हैं। मेरा ये सर बारी बारी क्यों हो रहा है? एक मिनट, ग्लास दो। अचानक मेरे सर में क्या हो गया है? मैं दबा दूं? हाँ। यहाँ दर्द हो रहा है? हाँ। यहाँ? अभी ठीक लग रहा है थोड़ा? हाँ अभी थोड़ा ठीक है। मर्जी से हुआ, सच। बकवास बंद करो अपनी, तुमने सही नहीं किया मेरे साथ। क्या जवाब दूंगा माँ को? मामा जी को बताने की क्या जरूरत है? हाँ प्लीज जाओ आप यहाँ से। तुमने ही कहा था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, जो थी वो तुम्हें छोड़कर चली गई। और वैसे तुम्हें भी तो अपनी हेजिटेशन दूर करनी थी ना, फिर इतने अपसेट क्यों हो रहे हो? प्लीज डोंट टच मी। हे बाबा, ये क्या कर दिया मैंने? काम डाउन। और हाँ एक बात, किसी गर्लफ्रेंड को जब फर्स्ट डेट पे लेकर जाऊंगी, उसे फिल्म दिखाने मत लेकर जाना। आज इतना रोमांस, लेकिन मुझे आज पीने का मूड नहीं है। पर मेरा मूड है ना। आज कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे हो। रोमांटिक तो तुमने मुझे बना दिया। ठीक है, काम छोड़कर पहले रोमांस कर लेते हैं, लेकिन पीना नहीं है। ठीक है। चुंग गई है मुझे देखकर। नहीं आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गलत मैं समझ रहा हूँ या तू मुझे गलत दिखाने की कोशिश कर रही है? तुझे शर्म नहीं है अपने बेटे जैसे
भांजे के साथ ये सब करते हुए? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। अगर सुनील ने मुझे फोन कर ये सब ना बताया, और एक मिनट भी मैं तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकता। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। मेरी बात तो सुनी। निकलो। बात मामा जी प्लीज अपने आप को संभालिए। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मेरी बेटी